असी किड़ा तुहाड़े तो बादशाही मंग रहे हां, असी बंदी सिंघां दी रिहाई मंग रहे हां। जी हां, ये बोल ने पंजाबी गायक कमर ग्रेवाल दे उस रिहाई गीत दे, जिस दे विच 30-40 सालां तो देश दीआं वख-वख जेलां दे विच बंद बंदी सिंघां दी रिहाई मंगी गई है। पर अफसोस कि इस गाने नूं भी सिद्धू मूसेवाला दे SYL गीत दी तरह यूट्यूब तो बैन कर दिता गया। समझ नहीं आई इस गीत दे विच गलत की सी, शायद वो लोग समझा सकते ने जो इस गाने दे उत्ते बंदिशां लगवा रहे ने। जे इस दे विच कुछ गलत है तो ठोक के उसका जवाब दो कि आ इस दे विच गलत है, पर नहीं, शायद इस दा जवाब किसी दे कोल ना होवे। शायद यही कारण है कि जेलां दे विच बंद बंदी सिंह ये सोचते ने कि सानू संविधान के मुताबिक बराबर क्यों नहीं रखा जा रहा। वो सोचते ने कि आखिर साडा कसूर की है, क्यों सानू अदालतां दे वल्लों मिलियां निर्धारित सजावां पूरियां होण तों बाद भी रिहा नहीं कीता जा रहा, क्यों कई दहाकियां तों असीं जेलां दीआं काल कोठड़ियां दे विच बंद हां, क्यों असीं इन्ने सालां बाद भी अपने परिवारां नूं नहीं मिल सकते, क्यों असीं अपने बच्चियां या मापियां नूं नहीं देख सकते, ते क्यों असीं अपने घरां नूं फिर नहीं मुड़ सकते। पर गायक कंवर ग्रेवाल ने उन्हां दे इस दर्द नूं गीत दे राहीं पेश करन दी कोशिश कीती सी, जिस नूं बैन कर दिता गया। इस गीत दे विच कंवर ग्रेवाल ने पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे नाल संबंधित इतिहास दीआं किताबां दे विच होई छेड़छाड़ दा जिक्र भी कीता है। ग्रेवाल ने गाया कि क्यों साडे इतिहास दे कलमा चलाउणे हो, सच दी थां क्यों झूठ दिखाउणे हो। ये बोल भी बेहद गंभीर सन, क्योंकि बीते सालां दे विच ना सिर्फ स्कूलां दीआं किताबां दे विच छेड़छाड़ कीती गई, बल्कि गुरबाणी नाल भी छेड़छाड़ करन दे इल्जाम कई लेखकां ते लगे सन। इस छेड़छाड़ नूं लैके मोहाली बोर्ड दे बाहर कई महीनियां तक इंसाफ दे लई धरना भी चलदा रहा। ग्रेवाल दा ये गीत बैन होया ते ये मुद्दा एक बार फिर भखेगा, जिस तरह सिद्धू मूसेवाला दे SYL गीत तो पाणियां दा मुद्दा भग गया सी। इन्ना ही नहीं, इस गीत दे विच 47 तो लैके हुण तक हुईयां सियासतां दा जिक्र भी कीता गया कि किस तरह माड़ियां सियासतां लोकां दा दम घोटदियां रहियां ने। उम्मीद है कि इस गीत दे लई आउण वाले दिनां दे विच आवाज़ बुलंद होवेगी। इस तों पहलां श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी सिख संगतां नूं संबोधन करदिआं आख चुके हैं कि जेकर असीं अपने इन्हां बंदी सिख नौजवानां नूं रिहा करवाउणा चाहुंदे हां तां सानूं अपनी सिख शक्ति इकट्ठी करनी पवेगी। उन्हां कहा कि सिख शक्ति नूं इकट्ठा करन दे लई सानूं खुद इकट्ठे होना पवेगा, क्योंकि जेकर इकल्ले इकल्ले रहांगे तां मसले हल नहीं होणगे। श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार दा इह बयान देर आए दुरुस्त वाला सी। उन्हां कहा कि मसले उदों हल होणगे जदों इकल्ला इकल्ला सिख बंदी सिंघां दे हक दे विच आवाज़ बुलंद करेगा। हुण वेखणा इह होएगा कि कमर ग्रेवाल दे इस रिहाई गीत नूं दुबारा यूट्यूब बैन तों हटाउंदा है या फिर नहीं।